Hello everyone, what's up? My name is Aditya Singh Parmar and I welcome you all to my channel Musafir Adi. I am back again with a new video. So, how is you all? I hope you all are doing absolutely fine. और मेरे फेस की स्माइल देखकर आप लोग भी इमेजिन कर सकते हैं कि आई एम ऑल्सो डूइंग गुड. साथ साथ आप देख सकते हैं कि आज की वीडियो किसी अलग लोकेशन से स्टार्ट हो रही है क्योंकि मैं आया हुआ हूँ आनी जो कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है. तो पिछले कल मैंने और मेरे दोनों सिस्टर ने शिमला से ट्रिप स्टार्ट कर दी है. इस ट्रिप पर हम जाने वाले हैं मनाली, अटल टनल, सिसु, प्राशर और हुआल से लेकर. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम आनी पहुंच गए थे, कल हमने आनी में स्टे कर लिया था और आज जाएंगे हम मनाली. मनाली एक्सप्लोर करेंगे, मनाली का मॉल रोड, हिडिंबा टेम्पल और साथ साथ जुबनी फॉल्स. तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है. साथ ही साथ ये मेरे चैनल पर पहली ड्राइविंग सीरीज है, तो आई होप कि ये सीरीज आपको पूरी पसंद आएगी. और अभी हम मनाली निकलने वाले हैं. मनाली यहाँ से 5-6 घंटे का रास्ता है, मनाली वाया जलोड़ी जोधपुर. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. आपने जाना ये जो यहाँ पर आगे कैंची आएगी ना, यहाँ से आपने सीधा ऊपर को जाना ड्राइवर साइड ही, राइट साइड, राइट साइड जाना. हाँ जी, हाँ जी. तो अभी हमें एक अंकल ने बताया कि जो मनाली के लिए मेन रोड गया वहाँ पर लैंडस्लाइड हुई है और 2-3 दिन तक वो रोड नहीं खुलेगा. तो अभी हम एक लिंक रोड से जा रहे हैं और आप इस रोड के हाल देख सकते हैं कि कितना ज्यादा खराब है ये रोड. तो अभी हम पहुंच चुके हैं जलोड़ी जोत. आप मेरे पीछे व्यू देख सकते हैं कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है. तो आने से यहाँ पहुंचने के लिए हमारे को अराउंड 1 घंटा लग गया क्योंकि जो मेन रोड था वहाँ पे लैंडस्लाइड हो गई थी. और आपने वीडियो में देख ही लिया होगा कि एक अंकल ने हमारे को मिल गए थे, उन्होंने हमारे को एक लिंक रोड बताया. तो वहाँ से हम फटाफट यहाँ पर पहुँच गए. तो अब माता के दर्शन करते हैं. जलोड़ी माता का मंदिर है और अगर आपको सिरोल सर लेक जाना हो तो वहाँ का ट्रैक भी यहीं से स्टार्ट होता है. तो पहले माता के दर्शन करते हैं और उसके बाद करेंगे ब्रेकफास्ट. तो ब्रेकफास्ट करने के बाद अब हमने फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है और अब हम जलोड़ी जोत से शोजा की तरफ जा रहे हैं. अब आपको यहाँ पर स्टीप उतराई मिलेगी और यहाँ पर बड़े बड़े साइन बोर्ड्स मिलेंगे आपको कि अपनी कार सिर्फ फर्स्ट और सेकंड गियर पर ही ड्राइव करें. तो अभी हम पहुंच चुके हैं जीबी और अब जा रहे हैं हम जीबी वाटरफॉल की ओर. अब चलते हैं अंदर. यहाँ पर है जीबी वाटरफॉल. मैं आप सबको वाटरफॉल दिखाता हूँ.
तो ऐसा कुछ था जीवी वाटरफॉल। आई होप कि आप सभी को पसंद आया होगा। और ये कुल्लू के फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक है, तो यहाँ पर भीड़ भी थोड़ी ज़्यादा थी, बट पर्सनली आई एंजॉयड इट अ लॉट। तो अब चलते हैं मनाली की ओर। अभी हम पहुँच चुके हैं मंजार से थोड़ा सा आगे पारू पुल पर, और साथ ही साथ पारू की नदी भी स्टार्ट हो गई है। अभी हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुके हैं और अब चलते हैं मनाली। तो अभी हम एंटर कर गए हैं ऑड टनल में, और जैसे कि आप सभी देख सकते हैं ये काफ़ी रॉ टनल है। इस टनल के बारे में मैंने पहले भी एक आर्टिकल में पढ़ा था, तो ये एक एक्सीडेंट प्रोन एरिया है। और ये टनल अराउंड 3 किलोमीटर की है, जो कि मंडी मनाली हाईवे पर है। तो अभी हम हाईवे पर पहुंच गए हैं और हल्की हल्की गर्मी भी स्टार्ट हो गई है, तो हमने सोचा इस गर्मी में क्यों ना गन्ने का जूस पिया जाए। तो अभी मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज दिखाना चाहता हूँ। शिमला में हमने काफी सारे एप्पल के पेड़ देखे हैं, बट मनाली पहुंचने से पहले हमारे यहाँ पर पूरा एक अनार का गार्डन मिला, जहाँ पर एक पेड़ में काफी ज्यादा अनार लगे हुए हैं।